हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ स्पंज केक की रेसिपी। ये एक सिंपल केक रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही जो है टेस्टी होता है ये खाने में। बिल्कुल दुकान के खरीदे हुए केक को ये टक्कर देने वाली एक केक रेसिपी है। तो अगर आप इतनी अच्छी एक रेसिपी अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी आपके लिए होगा। घर के ही कुछ छोटे मोटे चीज़ों और इंग्रेडिएंट्स से मैं इसको बनाई हूँ और बहुत आसानी से बन जाता है। तो आप लोग एक बार तो ज़रूर अपने घर पे इसको ट्राई कीजिए और ट्राई करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरे कोई भी रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। गैस पे मैंने मीडियम फ्लेम में एक भगोना और उसके ऊपर नमक और उसके ऊपर एक कटोरी यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर मैं इसको प्री हीट के लिए रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम शुगर पाउडर यानी चीनी को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। उसके साथ 150 ग्राम मैदा, दोनों क्वान्टिटी आपको सेम रखना पड़ेगा, 3 अंडे और यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लिया है मैंने। दूध मैंने लिया है 1 कप और उसके साथ रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर। और इस पैन में मैं केक को बिठाऊंगी। तो जिस पैन में मैं केक को बनाऊंगी उसको मैं यहाँ पे अभी तेल से जो है अच्छे से ऐसे ग्रीस कर रही हूँ। तेल इसमें लगाना ज़रूरी है, नहीं तो केक जो है चिपक जाएगा इसमें। फिर मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसको मैं सेट कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है करना, नहीं तो आपका केक जो है जल सकता है, इसीलिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। तो ये मेरा रेडी हो गया है, अभी मैं इसको एक साइड कर दूँगी। तो अभी जो मेरे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है अभी मैं इस छन्नी की मदद से इसको छान लूँगी। ये करना बहुत ज़रूरी है और हर एक स्टेप आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, फिर आपके घर पर ट्राई कीजिए, आपका केक जो है बिल्कुल स्पंजी वाला केक बनेगा। तो मैंने यहाँ पर मैदा, चीनी पाउडर और यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर दे रही हूँ, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। फिर मैं इसको अच्छे से छान लूँगी और एक साइड में मैं अंडा ले रही हूँ। अंडे को मैं अच्छे से फेंट लूँगी, बहुत अच्छे से, जब तक ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पे और एक अंडा ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे 3 अंडा डाला है, पहले 2 था, अभी 1 में डाल दिया है। अभी मैं इसको अच्छे से जो है फेंट लूँगी। देखिए इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी मैं इसमें 3 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ ताकि केक का मॉइस्चर जो है वो बहुत ही बरकरार रहे और अच्छा रहे। तो अभी जो मैंने यहाँ पे अंडे और तेल का जो मिश्रण बनाया है उसको मैं इसमें बहुत ही थोड़े थोड़े करके डालूँगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। देखिए कुछ इस तरह का हो गया है ये, लेकिन ये जो है थोड़ा गाढ़ा है, लेकिन केक का बैटर जो है थोड़ा सा पतला होता है, इसीलिए अब मैं इसमें दूध मिलाऊँगी। मैंने यहाँ पर पहले जो है 2 टेबल स्पून के करीब दूध डाला है। आप इसको जितना अच्छे से फेटेंगे केक जो है आपका उतना ही ज़्यादा स्पंजी होगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से फूलेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। बहुत आसान है, आप बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखिए, आपका जो केक है बहुत ही स्पंजी वाला केक बनेगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कॉमेंट पर मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो अभी मैं वहाँ पर 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल रही हूँ और ध्यान रखिएगा वेनिला एसेंस जो है बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो इसका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप डाल दीजिएगा तो ये जो है टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो ये मेरा रेडी हो गया, अब जिसमें मैं केक बनाऊंगी उसमें मैं अभी इसमें डाल दे रही हूँ इसको, और इसको थोड़ा सा ऐसे टैप टैप कर लीजिए ताकि जो भी है एयर बबल ना रहे। ये बन गया है, तो जैसे कि मैंने पहले दिखाया था वीडियो पे, इसको मैंने प्री हीट कर लिया था। तो अभी इसमें मैं केक का टिन जो है डाल रही हूँ। अब मैं इसको ढक दूँगी और मीडियम फ्लेम में ही मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो लगभग 30 मिनट के बाद ये देखिए केक मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसको आपको पता कैसे चलेगा, आप एक चम्मच या फिर ऐसे कुछ चीज़ लीजिए और केक में ऐसे डालिए। अगर आपका चम्मच जो है फ्रेश निकलता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये केक रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो तब तक के लिए टाटा दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।